मल्टीपल गिवअवेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट चलिए रेडर, इसी बीच जो मुकाबले की शुरुआत है वो भी हो चुकी है और स्पेक गॉड और ड्यूरा ओपी ही रूटर के आपको डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और फटाफट से जाके बस वहाँ पे आईजीएल सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ऐसे ही एक्शन देखने को मिल जाएगा। मवी अभी के लिए कुछ प्राइस निकालने की कोशिश रहा है और बीजीएमआई कम्युनिटी का जब जब नाम लिया जाएगा ये दो खिलाड़ी हमेशा सामने रहेंगे। बिल्कुल, और मवी की बात कर लीजिए, उनके पास वो गन पावर और अमन भी यहाँ पर जो है एक अनुभवी ये खेला टीम हाइड्रा 2.0 के प्लेयर्स रहने वाले, लेकिन सामने मवी भी और उनके साथी भी इतनी आसानी से मौके तो नहीं देंगे। बट चलिए स्प्रे गॉड इस बार मवी को डाउन करते नजर आएंगे। अमन इकलौते फंस चुके हैं, दोनों तरफ से वो प्लेयर्स प्रहार कर रहे हैं, बट अमन जैसे तैसे करके वो एक प्लेयर ड्यूरा को तो डाउन कर देंगे, बट स्प्रे गॉड की एचपी भी बहुत ज्यादा कम कर दिया। चलिए मवी पीछे से सपोर्ट लेकर आएंगे, 6-7 की स्कोर लाइन है। दिलचस्प रहने वाला ये मुकाबला, बहुत ज्यादा हाइड्रा ड्यूरा ओपीएचपी कम हो बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए वो चाहते हैं जीतना, वो चाहते हैं क्वालिफाई करना, और शायद उस चीज के लिए जितनी हो सके मशक्कत भी कर रहे हैं। अमन की बात करें जाए चेस प्रेस देखने को मिलेंगे, बट फाइनली वो हेडशॉट कनेक्ट होगा, अमन को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मवी के ऊपर एक 1v2 का प्रहार देखने को मिल जाएगा, शायद ही कामयाब होंगे। लीड को छीनने के साथ ही कोशिश ये रहेगी हाइड्रा के इन खिलाड़ियों की तरफ से कि बस मेंटेन किया जाए। अमन वहीं पे फंसते दिखेंगे, दो अलग एंगल से काउंटर होते हुए दिख सकते हैं। अमन ने कोशिश करी कि आप ब्लो बैक दे, एक अच्छी फाइट लेके लग रही है, अदरवाइज ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 2.0 के जो दोनों खिलाड़ी हैं बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वही गलती जो पहले भी आइकोसोल के सामने कई प्लेयर्स ने करी थी। देखिए बिल्कुल, और अगर बात कर ली जाए गाइज अभी तक, देखिए अगर गेम देखने का इतना लोड चेकआउट करो, क्योंकि वहां पर कुछ अमेजिंग गिवअवेज भी यहां पर जो हमको देखने को मिल जाएंगे, लाइव लिंक यहां पर जो मिल जाएगा चैट सेक्शन में यूट्यूब की, फटाफट से जाओ चेकआउट करो। जितनी जनता रूटर पे देख रही है वो तो ऑलरेडी आगे बढ़ेंगे, लगातार स्पॉट आउट कर रखा है। बट स्प्रे गॉड इस बार यहाँ तो दिक्कतों में तो देखिए अपने आप को पा रही है जरूर। 6 मिनट बचे और ये मुकाबला अगर इसी प्रकार से चलता रहा ना तो कोई भी 40 का आंकड़ा तो यहाँ पर नहीं लग रहा कि छूने वाला है। देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी कि यही एग्जैक्ट हाइड्रा की वो लाइनअप थी जिन्होंने यहाँ पे रखनी के सेवेजरी और नोवन को पूरी तरीके से नाबूद कर दिया था, पूरी तरीके से पुट डाउन कर दिया गया था, और एग्जैक्टली वही लाइनअप अब कितनी मशक्कत कर रही है आप खुद ही देख सकते हैं। कितनी कांटे का एक टक्कर देखने को मिलेगा, जहाँ डोरा बचने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें टेक डाउन कर दिया जाएगा। मवी और अमन का यहाँ पे जो समायोजन है वो फिर से शायद कार वगैरह देखने को मिल सकता है, वो खत्म होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे अभी भी चीजें काफी एविडेंटली क्लियर होती हुई दिख रही है कि इतनी आसानी से लीड नहीं मिलेगी। लेकिन डोरा के सामने ये जो थोड़ा ओवर कमिटमेंट देखने को मिला अमन का, ये बहुत ही कॉस्टली था। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमन की तो देखिए चाहते तो और बात कर लीजिए 17-18 की फिलहाल ये स्कोर लाइन रहने वाली है, 18-18 मैच फिलहाल यहाँ से रहने वाले शेष। बट ड्यूरा की बात करी जाए बहुत बखूबी तरीके से एक 1v2 करते, अंत में कहीं ना कहीं जाते जाते वो जो बाजी है वो मार जाएंगे। हाँ देखिए चांसेस हैं, अभी उनके पास मोमेंटम भी है, उन्होंने जस्ट अभी रखनी को भी बीट किया था एक बड़े स्कोर लाइन से, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे टीम हाइड्रा के प्लेयर जिस तरीके का पोटेंशियल इनके पास है डेफिनेटली वो ये चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब जो गैप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अमन यहाँ पे पीछे रुके थे लेकिन जिस तरीके से मवी को शटडाउन किया गया दैट वाज नॉट एट ऑल लुकिंग ईजी, बट यहाँ पे अमन एचपी काफी कम, मवी फाइट बैक करेंगे। लुक एट दिस 20-22 का स्कोर, जब जब जरूरत है अपने बंदूक की, जब जब जरूरत है अपने टीममेट की, मवी वहां पे खड़े देखने को मिले के चट्टान बने, दीवार बने, और कुछ ऐसा ही बोरा भी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन अमन को कोई आइडिया नहीं था कि उनके लेफ्ट से एक और खिलाड़ी पीक इन कर रहा है, इवन मवी को भी उसी एक स्प्रे के अंदर तुरंत ही यहाँ पे जो अगला स्प्रे था उसमें कन्वर्ट यहाँ पे करते हुए दिखेंगे खिलाड़ी। डोरा एचपी काफी ज्यादा कम है, 16 फ्राग ऑलरेडी निकाल चुका है खिलाड़ी, 24 फ्राग्स के साथ ये टीम देखने को मिलेगी, सिर्फ 8 फ्राग है अभी इस रिकॉर्ड के नाम। ओ माय गॉड, लीजिए 17वां भी आता हुआ दिखेगा, अमन को पूरी तरीके से शटडाउन किया जाएगा। डोरा अपनी इस M4 3X स्कोप वाली गन के साथ ना सिर्फ लॉन्ग रेंज में इफेक्टिव है बल्कि क्लोज रेंज में भी उतने ही ज्यादा चमत्कारी देखने को मिले हैं। देखिए बिल्कुल ड्यूरा की अगर बात कर ली जाए पोजीशनिंग तो काफी बेहतर है, और लीजिए एक बार फिर से मवी को फंसाते नजर आएंगे, पीछे से अमन यहाँ पर शॉट फायर करके एक 1v2 करने का प्रयास जरूर कर रहे थे, बट अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि एक एक्सीलेटर पे जो है ना पावर रख दिया है यहाँ पर हाइड्रा 2.0 के इन प्लेयर्स ने, और वो 20-28 की स्कोर लाइन जहाँ पे 14-14 15-15 चल रहा था एक समय पे, और लग रहा था कि वो गेम इसी प्रकार से अंतिम क्षणों तक जाने वाला, लेकिन अब थोड़ा सा मुकाबला को एक तरफा यहाँ पर करते नजर आए हैं। जरूर अमन वापस से ड्यूरा को डाउन करेंगे और अमन के द्वारा भी एक 1v2 देखने को मिलेगा वापस से। अगर गेम में आना चाहते हो तो कुछ इसी प्रकार से जो स्ट्रीक्स है वो चलानी पड़ेंगी बिना रुके, टीम हाइड्रा को 2-3 बार उनके और इस ड्यूओ को वापस भेजना पड़ेगा बगल में। जी बिल्कुल, कोशिश तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी, बढ़िया जंप शॉट्स लेने की कोशिश, एकाग्रता बिल्कुल भंग नहीं करी जा रही है। अमन की एचपी कम यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगी, बट क्या मवी को यहाँ पे टेक डाउन कर पाएंगे? जी हाँ, उन्हें भी किया और अमन को अब चेज आउट करेंगे। व्हाट अ फाइट दैट इज, स्प्रे गॉड फिर से प्लेयर को अपने पुट डाउन करते हुए देखेंगे। देखते देखते अब सिर्फ 2 मिनट का सफर बचा है, और इन 2 मिनट्स के अंदर
चाहिए 8 बड़े फ्रैग्स काउंटर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए। लेकिन ये लीजिए, नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और अब लग रहा है कि ग्लोबली ईस्पोर्ट्स 2.0 की जो एक कमर है, जो एक उम्मीद थी, वो भी टूटती हुई दिख जाएगी। और हाइड्रा अपने वही पुराने रूप में वापस आ रही है, जैसा उन्होंने रेकनिंग के प्लेयर्स के साथ किया था, जो परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पे दिखाई थी, जो डेमोन्स्ट्रेशन अपने एग्रेशन का दिखाया था वहां पे, वही सेम चीजें तब्दील करते हुए दिखेंगे। लेकिन मावी 1v1 के अंदर काफी अच्छी फाइट लेते हुए दिखे डोरा का, लेकिन ये ड्रॉप शॉट उम्मीदों को ड्रॉप करेगा टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 2.0 के फैंस के लिए, मवी के फैंस के लिए, अमन के फैंस के लिए। बिकॉज इस समय जो स्कोर लाइन है वो किसी भी एंगल से मुझे टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के खेमे में नहीं दिख रही है। 10 फ्रैग्स का डिफरेंस है। देखिए बिल्कुल 10 फ्रैग्स का यहाँ पर जो है बात कर लीजिए, वो डिफरेंस रहने वाला है। स्प्रे गॉड सामने यहाँ पर तैयार जरूर खड़े हैं। मवी को चलिए कर दिया जाएगा डाउन, और देखते ही देखते अब इस बार अमन भी डाउन कर दिए जाएंगे। वो अंतिम एक मिनट में क्या वो 3 फिनिशर्स ले पाएगी, क्या एक और वो टीम बनेगी जो कि 40 के आंकड़े को यहाँ पर छू पाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा आई हैं। बट फिलहाल मवी इस बार जो है डाउन करते ना चाहेंगे। ड्यूरा ने अमन को डाउन कर दिया और मवी के थ्रू एक वन वी टू ऐसा लग रहा था देखने को मिलेगा, बट जी नहीं, पीछे से बैक एंड साइड से अमन का भी सपोर्ट आएगा। वो जानते हैं गेम तो देखिए हाथ से निकल चुका है, अब फिलहाल वो 2 ही फिनिशर्स भी चाहिए और मात्र 40 सेकेंड शेष है। बट मवी एक अलग प्रकार से फिलहाल अब जिगल देते नजर आ रहे हैं। 29-38 की है स्कोर लाइन, और फिलहाल अब मौका यही है कि जितने ज्यादा वो स्कोर लाइन को कम कर पाए उतना बेहतर रहने वाला है यहाँ पर मवी और अमन। बस देखिए थोड़ा काउंटर करने की कोशिश ही कर सकते हैं, बिकॉज अभी 26 सेकंड्स के अंदर वो 9 फ्रैग्स निकालना बिल्कुल किसी भी मायने में